हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए, फिक्स पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तीन चार वीडियो देखिए उस पे, वन एस कॉम्प्लीमेंट, टू एस कॉम्प्लीमेंट, साइन अनसाइन इंटीजर्स के लिए। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट। तो देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट इसको क्यों बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल पॉइंट, यानी मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास ये नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस नंबर को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस तरह ले आए इसको 1.23456710^10। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप इसको, आपने कहा 1, 2, 3, 4.567, इसको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट मतलब इसमें जो डेसिमल पॉइंट है उसकी उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। सॉरी, इसीलिए इन नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। ठीक, अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में देखिए क्या होता है कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसमें आप वेरी लार्ज नंबर को और वेरी स्मॉल वैल्यू को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आप अगर वेरी लार्ज की बात कीजिए तो आप समझ लीजिए 1.23 से लेकर और 10^88, इतनी बड़ी वैल्यू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्मॉल में आप आ जाइए तो 1.23 से लेकर -88, इतनी छोटी वैल्यू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर अगर आप, ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर के लिए, यही चीज निगेटिव नंबर के लिए, मतलब निगेटिव नंबर के लिए अगर हम लोग बात करें तो माइनस के 1.23 × 10^88 से लेकर और आप स्मॉल निगेटिव नंबर तक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट वेरी लार्ज निगेटिव नंबर एंड वेरी स्मॉल निगेटिव नंबर। ठीक है, वेरी लार्ज भी आप रिप्रेजेंट और वेरी स्मॉल में आप आ जाइए। ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का वो यही होता है कि आपको ये रेंज मिल जाती है 1.23 × 10^88 से लेकर और 1.23 × 10^-88, यानी आपको इतनी बड़ी रेंज मिल जाती है, इनके बीच के कोई भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि कोई भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिकली, तो किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे समझ लीजिए एफ इंटू आर की पावर ई, ये इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें एफ क्या है, ये तो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट इसका, फ्रैक्शन। ठीक, आर क्या है, आर हो जाएगा इसका रेडिक्स यानी बेस, और ई क्या है, ई इसका हो जाएगा एक्सपोनेंट मतलब पावर, ई हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। क्लियर? तो अब इसमें जैसे पहली बात तो रेडिक्स की हम बात कर ले, रेडिक्स क्या होता है, तो रेडिक्स मतलब बेस, और बेस आपको हम चारों नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं कि अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम लेंगे तो बेस कितना हो जाएगा 10, बाइनरी लेंगे तो बेस कितना हो जाएगा 2, ऐसे ही ऑक्टल के लिए 8 और हेक्सा डेसिमल के लिए, ये सब वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं, और हेक्सा डेसिमल के लिए हो जाएगा 16। ठीक, तो ये तो बेस हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, से पहले इसको हम बता दें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा 5.23 × 10^ से कुछ भी ले लीजिए 12, तो ये क्या हो गया, ये तो इसका फ्रैक्शनल हो गया, ये 10 क्या हो गया, इसका आर हो गया, और ये क्या हो गया, इसका ई हो गया। तो
तो किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को आप इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें बात यह आती है कि देखिए इसमें एक चीज और है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, ये जो है यूनिक नहीं होता है किसी भी नंबर के लिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कहा मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास 55.66, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम 5.566 × 10⁻¹ ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी नंबर को हम 0.5566 × 10⁻², या और आगे चलिए तो 0.05566 × 10⁻³, यानी एक ही नंबर को आप कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है किसी भी नंबर का। क्लियर। अब इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट, समझ गए, ये जो भाई अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या पढ़ा था, f × r⁴, यही तो पढ़ा था। तो ये जो है आपका, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये r हो गया, ये e हो गया। ऐसे यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये r हो गया, ये e हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है, द फ्रैक्शनल पार्ट कैन बी नॉर्मलाइज्ड, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है इसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ये अभी हम आपको आगे बताते हैं। इट कैन बी नॉर्मलाइज, तो नॉर्मलाइज फॉर्म में क्या होता है कि देयर इज ओनली ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट बिफोर द रेडिक्स पॉइंट, यानी नॉर्मलाइज फॉर्म में क्या होता है कि पॉइंट से पहले केवल एक सिंगल डिजिट यहाँ पे हो सकती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइज फॉर्म। मतलब इसका ये जो फॉर्म है, ये देखिए, ये जो लिखा है 5.566 × 10⁻¹, तो डेसिमल डिजिट से पहले क्या है, केवल एक सिंगल डिजिट है, तो इसको नॉर्मलाइज फॉर्म बोलते हैं। क्लियर। इन द नॉर्मलाइज फॉर्म देयर इज ओनली ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट बिफोर द रेडिक्स। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए हमारे पास नंबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको नॉर्मलाइज कीजिए, तो नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.23456 × 10⁻¹, आपने कितना शिफ्ट किया, 2, तो 10⁻²। क्लियर। तो इस तरह नॉर्मलाइजेशन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है 1010.1011, ये है बाइनरी में, तो इसको हम नॉर्मलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1.01010.1011 × बाइनरी का बेस कितना होता है 2, और 2 की पावर कितना आपने शिफ्ट किया है 3, है ना, तो 2 की पावर हो जाएगा 3। तो ये इस तरह जब आप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को नॉर्मलाइज फॉर्म बोलते हैं। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एक चीज और ध्यान देने वाली है कि फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होते हैं ये उतने प्रिसाइज नहीं होते हैं, ठीक है, या इनमें क्या होता है लॉस ऑफ प्रेसिशन, प्रेसिशन का लॉस होता है, ठीक है, व्हेन रिप्रेजेंटेड विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स। अब जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम फिक्स कर दें कि भाई हमें 32 बिट में ही दिखाना है इनको, या 64 बिट में ही दिखाना है, तो जब आप बिट्स को फिक्स कर देंगे तो उसमें एक्यूरेसी का लॉस होगा, प्रेसिशन का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स इवन विद इन ए स्मॉल रेंज ऑफ 0.0 to 0.1। मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप इसका नंबर ऑफ बिट्स फिक्स कर देंगे, जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए हम थोड़े बिट के लिए आपसे बात करते हैं, से सपोज कि हमने 8 बिट कहा, अब कोई नंबर है मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3, ठीक है, 0.456789 23 ऐसे है,
और हमें करना क्या है, इसको 8 बिट में ही रिप्रेजेंट करना है, तो क्या होगा, 3, 4, 7 और 1, 8, ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये जो 9, 2, 3 चला जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या, चूंकि रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, क्या होगा अगर हम, आप जैसे यहाँ पे आप कहेंगे भाई हमने तो 0.00000 और तो केवल इतना ही छोड़ा है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी तो है, लेकिन चूंकि ये रियल नंबर है, अगर हम कहें हम 0.0 से 0.1 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं, तो आपको मालूम है कि इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, चाहे जितना 0.01, 0.0123 रियल नंबर्स आप पढ़ लीजिएगा, रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो अगर हम जरा सा भी इसमें हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट फिक्स बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो ये थोड़ी स्मॉल वैल्यू नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छी लॉस ऑफ एक्यूरेसी हो जाएगी, तो ये एक डिसएडवांटेज है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लीजिए एन बिट की हम बात करें, एन बिट बाइनरी पैटर्न, तो हमें मालूम है कि एन बिट अगर हम लेंगे तो कितने बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 की पावर n डिस्टिंक्ट नंबर को, डिस्टिंक्ट नंबर्स को, जैसे हमने कहा n बराबर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब ये 8 नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकता है, से 0000001 0101 ऐसे एंड सो ऑन। n इज इक्वल टू हमने कहा कि साहब 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16, तो ये 16 अलग अलग बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट, ऐसी अगर हम n बिट लेंगे तो ये 2 की पावर n बाइनरी नंबर्स को, डिफरेंट बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसलिए अगर हम चाहे जितना नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन, जब भी हम इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन करेंगे, जब भी अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर लॉस ऑफ एक्यूरेसी होगी ही होगी, ठीक। तो ये तो हो गया कि जो इसका डिसएडवांटेज है फ्लोटिंग पॉइंट का। उसके अलावा क्या कह रहा है कि द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अर्थमेटिक इज वेरी मच लेस एफिशिएंट देन इंटीजर अर्थमेटिक, ठीक है, इट कुड बी स्पीड अप विद ए सो कॉल्ड डेडिकेटेड फ्लोटिंग पॉइंट को प्रोसेसर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की जो अर्थमेटिक होती है, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जोड़ना घटाना ये सारी चीजें, ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है, इससे कहीं बेहतर होती है इंटीजर्स को डील करना, इंटीजर की जो अर्थमेटिक होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको फ्लोटिंग पॉइंट को प्रोसेसर, स्पेशल को प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, को प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा एक चीज़ क्या है कि आपको हमने फ्लोटिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन तो बता ही दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, f इंटू आर की पावर e। अब इसमें ये जो r है, जो f है फ्रैक्शन या e जो एक्सपोनेंट है, तो f और e ये दोनों आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जब आप कहेंगे सर इतना वेरिएशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फिर कैसे स्टैंडर्डाइजेशन होगा, तो आज की डेट में मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं, IEEE के द्वारा बनाया हुआ, IEEE आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है, IEEE 754, ये जो स्टैंडर्ड है ये यूज़ किया जाता है मॉडर्न कंप्यूटर के द्वारा फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। आज की डेट में जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है वर्ल्ड लेवल पे वो है IEEE 754, ठीक है। अब ये हो गया, दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लोटिंग पॉइंट। अब आज के समय में देखिए जनरली दो तरह के रिप्रेजेंटेशन यूज होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में, एक है आपका 32 बिट सिंगल प्रिसिशन, सिंगल
प्रिसिशन, और दूसरा होता है 64 बिट डबल प्रिसिशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं उसका एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, बाकी ये इसका 32 बिट और 64 बिट जो डबल प्रेसिशन में क्या होता है, नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।